हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। मैं रणधीर, आपका दोस्त। फ्रेंड, मैं आज भोलेनाथ का मंदिर में आया हूँ। मैं आपको यहाँ का नज़ारा थोड़ा दिखा देता हूँ अच्छी से। भोलेनाथ का मंदिर बसबिट्टा से 2 किलोमीटर मरता शिल्पाल में पड़ता है और मेरे गांव से 3-4 किलोमीटर हट के मतलब बसबिट्टा की तरफ पड़ता है। तो फ्रेंड, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाऊंगा। बहुत अच्छा लोकेशन है फ्रेंड। मैं आप लोग को एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ। ये करीबन 100-150 साल पहले का मंदिर है, मतलब उतना मुझे मालूम नहीं है फ्रेंड, बट मैं थोड़ा इसका आपको लोकेशन दिखा दे रहा हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं थोड़ा मंदिर का चारों तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फ्रेंड, यहाँ पे संडे का मेला लगता है, संडे का जल भोलेनाथ का अर्पित होता है। आज मतलब दूसरा दिन है तो आज इतना पब्लिक लोग नहीं आए हुए हैं, यहाँ पे उतना भीड़ भड़ाका नहीं है। लेकिन आपको कभी यहाँ पे आने का मौका मिले, भोलेनाथ से दर्शन करने का आपको मौका मिले, तो आप संडे के आइएगा। संडे का यहाँ पे जल अर्पित होता है भोलेनाथ का। तो मैं आगे आपको नज़ारा दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा 2-4-5-10% लोग सब है, ज़्यादा नहीं है। मतलब भोलेनाथ का कृपा यहाँ पे हमेशा बने रहता है। तो मैं आगे चल कर इसको नज़ारा मैं थोड़ा आपको दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड, अब मेरे साथ बने रहिए। फ्रेंड, ये इंदा है, यहाँ से जल उठता है, भोलेनाथ को यहीं से चढ़ाता है जल। तो ये है यहाँ का नज़ारा, मैं आपको अंदर का पूरा सीन दिखाऊंगा। तो ये है मेन द्वार यहाँ पर फ्रेंड। यहाँ से प्रवेश होता है भोलेनाथ का मंदिर में। तो फ्रेंड, इधर से निकल के लेफ्ट साइड से जाके ये है गणेश जी का। भैरवनाथ बाबा है,
ये विश्वकर्मा बाबा है फ्रेंड, विश्वकर्मा जी के मेरे पर दया बने रहे। ये बजरंग बली जी, जय है भगवान जी, संकट मोचन हनुमान जी। भोलेनाथ का मंदिर ऐसा है पीछे से, बैकग्राउंड से तो आप देख सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आप लोग का आने का कभी मौका मिले तो आप आ सकते हैं फ्रेंड, बहुत अच्छी सी जगह है फ्रेंड। यहाँ पे इतना शांत जगह है कि मतलब आप सोच नहीं सकते फ्रेंड। संडे है, आज संडे नहीं है इसीलिए आज यहाँ पे इतना भीड़ भड़का नहीं है। संडे को थोड़ा ज़्यादा भीड़ भड़का रहता है, मेला रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा भी ऐसा जगह नहीं रहता है खाली जहाँ पे लोग नहीं रहे फ्रेंड, तो आप देख लीजिए इधर का ऐसा नज़ारा है। ये क्या चीज़ है फ्रेंड मुझे मालूम नहीं है, बट कुछ तो होगा ज़रूर जो इनको भी पूजा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो मुझे तो उतना जानकारी नहीं है, बट कुछ जानकारी करके मैं अगले दूसरा वीडियो बनाऊंगा कभी इस पर। संडे को आऊंगा तो आपको इसको वीडियो का और थोड़ा लंबा चौड़ा करके आपको दिखाएंगे, अभी सिर्फ इसका लोकेशन दिखाए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं फ्रेंड, बाय। बस इतना ही फ्रेंड, बाहर से ऐसा नज़ारा है। इधर ये बसवीटा से आती है और ये नेपाल से, इधर नेपाल का रोड है। ये भोलेनाथ का मंदिर है।